हाय फ्रेंड्स, लौकी के नाम सुनते ही घर में बच्चे हो या बड़े सभी का मुंह बनने लगता है। लेकिन इसके इतने फायदे हैं कि लोग समझते ही नहीं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लौकी का फायदा उठाया जाए और किसी को पता भी न चलेगा। तो चलिए लौकी के एक ऐसा ही नाश्ता तैयार करते हैं जिसको देखते ही सब खाने को दौड़ जाएगा। बाद में हम उसको बताएंगे कि ये तो लौकी से बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक लौकी है। ये लौकी हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम इसका आधा बनाएंगे। तो चलिए इसको काट छील करके लेके आते हैं। देखिए, इसको काट करके छील लिए हैं। अब इसको जो है ना, सिंपली जो है एक छोटा सा ग्रेटर लेकर के कद्दूकस करेंगे। तो चलिए हम आपको कद्दूकस करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये कद्दूकस जो है, इसी तरीके से आप जो है कद्दूकस कर लीजिए। तो कद्दूकस करने के बाद जो है, इसमें हम मसाला मिलाते हुए जो है हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए, कद्दूकस हो चुका है। अब इसमें सिंपली घर के ही सामानों से आपका बन जाएगा, कुछ बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए, सूजी हमने डाल दी है, ये है थोड़ी सी बेसन। आप अपने घर में किसी मेजरमेंट रख लीजिए, हमारे ये कटोरी मेजरमेंट है, आप अपने घर में भी रख लीजिए। हमने आधा कटोरी सूजी डाला, बेसन डाला, उतना ही दही डाला, यानी सूजी, बेसन और दही सब बराबर मात्राएं में डाले हैं हमने। उसके बाद देखिए, यहाँ स्वाद अनुसार जो है नमक हम डाल देते हैं। नमक भी अपने हिसाब से डालिए, सब कोई कोई तेज खाता है, कोई कम खाता है, हमारे यहाँ इतना खाता। अब देखिए, यहाँ थोड़ी सी तीखी के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए हल्दी पाउडर, और थोड़ी अजवाइन को हथेली पे घीच करके जो है इस तरीके से थोड़ी अजवाइन भी डाल दीजिए, ताकि खाने में जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट लाता है अजवाइन, और पचाता भी है खाने को। तो देखिए, सिंपली जो है इसको हाथ से करिएगा, इसमें भी पानी उनी मत डालिएगा, हाथ से करिएगा। तो बिल्कुल ये जो है ना, लौकी में इतना पानी होता है, ऊपर से दही डाले हैं, तो दही और लौकी का पानी मिला करके जो है इस तरीके से आपका इतना खुद ही बैटर मिल जाएगा। बस हाथ से सारा चीज़ जो है इस तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद मिलाने के बाद देखिए, इसमें हम थोड़ी पानी डालेंगे। पानी देखिए, जितना हम जो कटोरी लिए हैं, इस कटोरी से हम तीन कटोरी पानी डालेंगे। देखिए, एक कटोरी में अभी इस हिसाब से हुआ है, दो कटोरी हम इसमें और पानी डालेंगे। तो देखिए, पानी अभी डाल के दिखाते हैं। देखिए, एक कटोरी और डाल रहे हैं, दो कटोरी हो गया पानी, अब एक ये तीन कटोरी हमने पानी डाल दिए। अब इसको सिंपली मिला करके इस तरीके से जो है इसका एक बैटर जैसा तैयार करेंगे, और इसको बाद जो है इसको पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए, एक पैन चढ़ा दिए हैं। अब पैन में थोड़ी सी तेल डालें। तेल हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों वाले ही यूज करते हैं, आपको जो तेल अच्छा लगे आप कर सकते हैं कुकिंग ऑयल में। अब देखिए, इसमें जो है हम आधी, मतलब एक पूरा भी नहीं भरे और आधा से थोड़ा ज़्यादा हम सरसों डाले हैं, और इसको पिटकते ही इसमें देखिए सारा बैटर को हम डाल देंगे। इस बैटर को डालने के बाद जो है इसको सिंपली 5 से 7 मिनट लगेगा आपको पकने में। इसको डालते ही जो है इस तरीके से चलाते रहिए। ये देखिए, हमारा 3 मिनट बाद ऐसा बना है। ये भी हम बैटर जब डाल करके 3 मिनट हो गया, 3 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं इस स्टेप से बना है। अभी ये 5 मिनट और पकेंगे, 4-5 मिनट कम से कम। चलिए आपको पकाते हुए दिखाएंगे। ये देखिए, ये 5 मिनट हो गया है हमारा पकते हुए, 5 मिनट। और जब अभी इसको पकाइएगा, इसमें मीडियम फ्लेम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई मत रखिएगा और ना ज़्यादा लो रखिएगा, मीडियम फ्लेम में बनाइएगा, अच्छा बनेगा। 5 मिनट में देखिए ये जो बैटर है किस तरीके से छोड़ दिया है एकदम से। अब इसको 2 मिनट और इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, और इसको एक डो के फॉर्म में लाएंगे, बिल्कुल जो आप बनाते हैं ना, मतलब किसी आटा उटा, जैसे आटा रोटी के लिए बनाते हैं, तो उससे थोड़ा कम करेंगे। देखिए, इसी तरह से मिलाते मिलाते देखिए ये पक जाएगा। ये फिर देखिए, अब ये पक चुका है पूरी तरह से।
कढ़ाई छोड़ दिया। अब देखिए हम यहाँ पे जो है तेल लगा करके और बैटर को इसी में पलट देंगे। बैटर को जब पलटिएगा तो बिल्कुल गरम गरम ही पलटिएगा, ठंडा होने का इंतज़ार मत करिएगा, नहीं तो कढ़ाई में ही चिपक जाएंगे बैटर। इसलिए गरम गरम ही इसको निकाल करके प्लेट में, थाली में, जो भी आपको निकालना है जैसे निकाल करके इसको फैला दीजिए, और फैला के आप एक शेप दीजिए इस बैटर को, क्योंकि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका एक शेप चाहिए। जैसा भी आपका मर्जी हो शेप देने का दे दीजिए। हम इसको जो है बिल्कुल स्क्वायर टाइप में अभी शेप देंगे और इसको जो है ना ब्रेड पकौड़ा की तरह हम बनाएंगे। अभी इसको देखिए इस तरीके से चाकू से जो है हम इसको स्क्वायर टाइप में हम बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपके घर में अगर स्क्वायर वाला कंटेनर हो तो डायरेक्ट आप उसमें डाल करके स्क्वायर बना सकते हैं। हमारे पास कंटेनर नहीं था तो हमने अपना थाली पे ही कर लिए। तो देखिए स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। अब इसको जो है ठंडा होने दीजिएगा। हमने इसको ठंडा होने दिए हैं कम से कम 10 मिनट, तो आप भी 10 मिनट ठंडा होने दीजिएगा और 10 मिनट बाद जो है इसको कटिंग करिएगा इस तरीके से। कटिंग करने का अपना मर्जी है, आप जिस हिसाब से करना चाहे करिए, लेकिन कटिंग जो है इस तरीके से हम कर रहे हैं। इससे क्या है ना देखने में थोड़ा ब्रेड पकौड़ा जैसा लगेगा, तो खाने वाले को तो सबसे पहला नंबर में लगेगा अरे ब्रेड पकौड़ा बनाए घर में, तो वो ब्रेड पकौड़ा देख सोच करके उठाएगा। जब वो खाएगा तो उसको अपना ही टेस्टी लगेगा अलग से, तो वो और खाने के लिए चाहेगा, तो फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी से बना है। और फिर अच्छा लगने के बाद फिर डिमांड भी करेगा कि भैया और बनाओ और बनाओ। तो आप शाम के नाश्ते, सुबह के नाश्ते में किसी भी टाइम आप बना करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब नाश्ता को और थोड़ा टेस्टी बनाते हैं। और टेस्टी बनाने के लिए देखिए एक पैन ले लिए, उसमें भी हमने 1 चम्मच के अनुसार जो सरसों तेल डाल दिए हैं। अब यहाँ एक जो है फिर से हम मस्टर्ड डाल दिए हैं सरसों। उसके बाद देखिए थोड़ी सी हम जो है ग्रीन चिली डाले हैं। ग्रीन चिली डालने से क्या होता है, इसमें जो भी अपना मतलब तीखा के लिए तो हमने रेड चिली पाउडर तो इस्तेमाल किए ही थे, लेकिन इसमें ग्रीन चिली इसलिए डाली है कि थोड़ा ऊपर से भी खाना चाहे तो खाए, जिसको और तीखा जरूरत है। तो देखिए नाश्ते को जो है बिल्कुल इस तरीके से आप फैला लीजिए इसके, और फैलाने के बाद जो है 2 से 3 मिनट इसको जो है इसी तरह से सेक लीजिए। सेकने के बाद अच्छा सा कलर आ जाएगा और क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से फैला करके और 2 मिनट बाद जो है 2 मिनट बाद देखिए हम आपको पलट के दिखा रहे हैं। इस नाश्ते को सेकते समय भी जो है फ्लेम का जो है मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो फिर हाई रखिएगा तो सीधा नाश्ता डालते ही जल जाएंगे। तो मीडियम में ही जो है आप इसको पलटिए और इसको सेकिए। तो देखिए बहुत जल्दी बन जाता है और खाने वाले को पता तक भी नहीं चलेगा कि हमारा जो है ये नाश्ता लौकी से बना है, और फ़ायदा भी हो जाएगा खूब अच्छा से बच्चे का। आप चाहोगे तो लौकी खिला सकते हो और सेहत भी अच्छा रहेगा। अब देखिए यहीं पे हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिए हैं, गार्निश कर दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक आप हमारी वीडियो देखते रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही विशेष हैं। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो यार सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिएगा तभी तो अगली रेसिपी भी आएंगी। हमारे चैनल पे जो है कई प्रकार के इसी तरह नया नया रेसिपी है, आप जा करके उसको विजिट करके देखिए और बताइए कैसा लगता है हमारे चैनल आप लोगों को। थोड़ा कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी समझ आए कि हाँ हम जो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमें भी तो समझ आनी चाहिए। तो जाइए सब्सक्राइब करिए और हमारे वेलकम रसोई का जो है बेल आइकन दबा करके रखिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है आप करके रखिए शेयर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट रेसिपी के लिए फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।